बजट था इसका जो है, बजट जो है 2 बिलियन दिरहम, 2 बिलियन दिरहम। अबू धाबी गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आपका भाई आप पहुंचा है अबू धाबी शेख जायद मस्जिद में, जो कि मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये अबू धाबी में है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अगर आप अबू धाबी या दुबई आए, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि ये विज़िट करें प्लेस, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है और आपके विश लिस्ट में तो ज़रूरी होगा ये। है ये वजू के लिए है, तो आप देख सकते हैं कितना फैशनेबल है, कितना खूबसूरत है। सो गाइस यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है यार, डिज़ाइनिंग वगैरह यहाँ की बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ की ये है कि है तो ये मस्जिद, लेकिन यहाँ पे आपको हर जाति और धर्म के लोग यहाँ पे मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यही है यहाँ, क्योंकि है ही इतनी खूबसूरत जगह ये यार। सो भाई जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सब झूमर, ये सब बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत देखने में, इतना अच्छा लगता है। यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो है फीमेल्स जो है बिना हिजाब के एंट्री नहीं है, मीन्स आपको एंट्री गेट पे ही हिजाब पहना दिया जाएगा। यहाँ पे अवेलेबल है तो आप पहन सकते हो वहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। गाइस मैं आप लोगों को कुछ यहाँ का हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि ये 1996 में जो है ये बनना स्टार्ट हुआ था और 2007 में कंप्लीट हुआ था। जो है बजट जो है 2 बिलियन दिरहम है, 2 बिलियन दिरहम, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी है, तो आप यहाँ के जो है यहाँ आपके फॉलो करें उसको, ठीक है। ये कैसा है, एकदम कव है,
शायद आप लोगों ने देखा होगा ऐसा बिल्डिंग। सो गाइस अभी हम शेख जायद मस्जिद से आ चुके हैं मरीना मॉल, जो कि अबू धाबी में ही है और ये यूएई का सबसे बड़ा मॉल है मरीना मॉल। की खासियत बता रहा हूँ आपको कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप वहाँ जाके लंच कर सकते हो। वो रेस्टोरेंट है, ये जो आप मेरे सामने देख रही है रेस्टोरेंट है। अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, अगर आपको लंच करना है डिनर करना है तो आप वहाँ जाके लंच या डिनर कर सकते हो। अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, और ये अटलांटिस जैसा यहाँ भी नया बन रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मरीना मॉल के अंदर, यूएई के सबसे बड़े मॉल के अंदर देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। सो गाइस ये एंट्रेंस है, बाहर की गर्मी से फुर्सत। सोचा था कि बहुत कुछ यहाँ दिखाऊंगा, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि आइस स्केटिंग था, आइस स्केटिंग जो कि बंद हो चुका है एक साल पहले ही। तो मैं सोचा था वो आप लोग को दिखाऊंगा, बट वो तो है नहीं, तो देखता हूँ और कुछ क्या क्या दिखा सकता हूँ आपको। वैसे यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं, गोप्रो, फैंटम, ड्रोन, DJI मैविक प्रो, सारे यहाँ पर ड्रोन्स, गोप्रो सारे अवेलेबल हैं यहाँ। मरीना मॉल है, ये बेसिकली शॉपिंग के लिए ज़्यादा फेमस है। जैसा कि आप दुबई मॉल में जाएंगे तो आपको एक्वेरियम और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप आके देख सकते हो। यहाँ अगर आपको वहाँ शॉपिंग करना है और भी कुछ अगर हैंग आउट करना है तो हाँ आप आ सकते हो। इसे बिल्डिंग देख के कुछ याद आया, फास्ट एंड फ्यूरियस।